नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान की तरफ से नहीं रुक रहा फायरिंग का सिलसिला। कल राजौरी के बाद आज सांबा के रामगढ़ में सुबह से ही हो रही है फायरिंग। गोलीबारी में एक लड़की की मौत, 3 लोग जख्मी। कल राजौरी में एक जवान भी हुआ था शहीद। फरार कैदियों के एनकाउंटर मामले में हेड कांस्टेबल के परिवार ने उठाए सवाल। कहा, खूंखार कैदियों के बीच निहत्थे सिपाहियों की ड्यूटी क्यों? जेल में सीसीटीवी भी नहीं था। हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज। गुड़गांव में गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम, तो रायपुर में जंगल सफारी का करेंगे उद्घाटन। व्यापार सुगमता मामले में पिछड़ा गुजरात, आंध्र और तेलंगाना ने तीसरे स्थान पर धकेला, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चौथे और पांचवे नंबर पर। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में नीतीश का बिहार केजरीवाल की दिल्ली से आगे। ईमेल विवाद का हिलेरी क्लिंटन की बढ़त पर असर। नए सर्वे में क्लिंटन और ट्रंप के बीच अब कांटे का मुकाबला। हिलेरी से 1 पॉइंट पीछे हैं ट्रंप। 8 नवंबर को होना है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव। एशियन कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय हॉकी टीम। फाइनल में पाकिस्तान को दी थी पटकनी। कप्तान श्रीजेश ने जीत देश के वीर जवानों के नाम की। और आज है भाई दूज का पर्व। बहनें करती हैं भाई की लंबी उम्र की कामना। आज दिन भर फ्री में डीटीसी बसों में सफर कर सकती हैं महिलाएं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।